प्रेज लॉर्ड हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया, मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें आशीषित करके दिया है 5 जुलाई की हम उनकी आराधना कर सके, स्तुति कर सके, इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु ने हमें पिछले पूरे दिन भर संभाले रखा, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले रात भर प्रभु आपने अच्छी नींद देकर आशीषित किया, समाधान के साथ सुलाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, आज के दिन आपने हमें अच्छे आरोग्य के साथ हमें चकाया है, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। पिता आज के दिन आप हमारे द्वारा अपनी प्रवृत्ति करते हैं, आपकी आवाज, आपका शब्द हमारा शब्द बनता है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपका कार्य प्रभु, आपका हाथ हमारे हाथों के द्वारा इस्तेमाल होता है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आप हमारे आगे पीछे आपने हमें घेर रखा है, हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य से जगाया प्रभु। हम आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा बड़ी है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। अद्भुत तरीके से आप हमें चलाते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीतकार भजन संहिता 149 में कहते हैं कि या की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हालेलुया, आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपका वचन कहता है आपकी ओर जो दृष्टि लगाते हैं वो कभी लज्जनीय होते हैं। हम एक साथ यीशु मसीह के नाम से प्रभु अलग अलग राज्य से अलग अलग समय में प्रभु आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता। पिता पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाले रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया प्रभु। आज के दिन आप जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, आपके कृपा के लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे, इनका परिवार आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे, इनको दान दिए हुए बच्चे आशीषित रहे, इनका जो नौकरी है वो आशीषित रहे प्रभु, इनका शरीर आशीषित रहे, इनका मन जो है खुशी से भर जाए, दिव्य समाधान से इनका जीवन भर जाए। हालेलुया प्रभु, आज के दिन जो रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से चंगाई की शक्ति इनके शरीर में घोषित करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि आप हमें चंगाई देने वाले यहोवा राफा है, और वही शक्ति यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर में घोषित करते हैं, हर एक रोग इनके शरीर से बाहर निकल जाते, यीशु मसीह के नाम से चंगाइयां घोषित करते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपने जो शक्ति भेजी है उसके लिए धन्यवाद, जो चंगाई दी है उनके शरीर में उसके लिए धन्यवाद। सर से लेके पांव तक पूर्ण आरोग्य प्रभु आप अपने बच्चों को देते हैं, बल देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हृदय संबंधित रोग से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया, पूर्ण तरीके से आपने चंगाई दी है, उत्तम तरीके से आपने उनको संभाला है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, जिनको भी उनके बाएं हाथों में जो दर्द है यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले, पूर्ण बल उनको उनके हाथों में मिल जाए। हालेलुया, जो अलग अलग बीमारियों से रोगों से जो पीड़ित है अद्भुत चंगाई उनको मिले, बवासीर से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले, जो बच्चों को भूख नहीं है यीशु मसीह के नाम से उनका पाचन जो है वो नॉर्मल हो जाए, उनको भूख भी सही तरीके से हो जाए। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद आपने ऐसा किया प्रभु। जो पीड़ित है एलर्जी से यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं
जो भी भार से प्रयास से है प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। हालेलुया प्रभु, आज के दिन आप उनको छुटकारा दे, आप उनको आरोग्य दे, आप उनको आश्वासन दे, आपकी प्रवृत्ति को देख के समाधान से खुशी मनाने में सहायता करें। जिनको नौकरी नहीं है पिता यीशु मसीह के नाम से इनके लिए रास्ता खुल जाए, आज के दिन अपॉइंटमेंट का ऑर्डर मिले, इंटरव्यू कॉल मिल जाए, जुलाई 5 तारीख को यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो, नौकरी मिल गई है करके एक खुशी का खबर आप दिलाते उसके लिए धन्यवाद। व्यापार जो करते हैं आप उनको अभिवृद्धि दे, हालेलुया। जो नौकरी करते हैं उनको प्रभु आप आशीषित करें, उनको ऊंचाई आप दे पिता, तरक्की यीशु मसीह के नाम से हो, उनके तनख्वाह बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से, भलाई से उनको तृप्त करें। जो ये संदेश सुनते हैं उनका भवन जो है खुशी से समाधान से भर जाए, दिव्य समाधान भरपूरी से हो प्रभु, आपकी उपस्थिति इनके जीवन में हो। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं आपका प्यार और आपके समाधान। हालेलुया प्रभु, खुशी मनाने में आप सहायता करते हैं उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, जो अभिषेक दास दासियां जो आपकी सेवकाई में है दुनिया भर में है प्रभु, आप आपको उनको संरक्षण देते हैं उसके लिए धन्यवाद। आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं उसके लिए धन्यवाद, आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीषित करे, और याद रखें आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आपको ये संदेश भेजते हैं उनसे मांगे तो वो जरूर आपको देंगे। हालेलुया, पहले तिमोथियों की किताब 1 अध्याय और उसका 17वां वचन पढ़ेंगे, जो वचन हमें सिखाता है आज के दिन कि आप सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। तो यहाँ पे हमारा जो स्वर्गीय पिता है उनके बारे में उनकी खूबी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा प्रभु कौन है, सनातन राजा है अर्थात अविनाशी है, हालेलुया, और अनदेखी अद्वैत परमेश्वर है, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो है हालेलुया वो कौन है, जिनमें सारा अधिकार है, हालेलुया, सर्वोच्च सत्ता है, हालेलुया, वो अद्वितीय है, हालेलुया। इसलिए हम वचन में क्या पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर परम प्रधान है, हालेलुया, परम प्रधान प्रभु है जो उनके प्रभुता के ऊपर और कोई प्रभुता नहीं है, हमारा प्रभु ही सब प्रभुता है, हालेलुया, वो परम अधिकारी है, हालेलुया, आमेन। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी सेनाओं में सबसे जो बड़े पद में जो होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि उनके ऊपर और कोई सेना में कोई मनुष्य नहीं, वैसे ही हमारे परमेश्वर की प्रभुता के ऊपर और कोई नहीं, हालेलुया। हमारा प्रभु सबसे बड़ा अद्वितीय परमेश्वर है, हालेलुया, उनके ऊपर और किसी की प्रभुत्वता नहीं है, हालेलुया, उनसे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ नहीं। मनुष्य में बहुत सारी चीजें हैं जो सीमा करती है, उनका समय जो होता है वो उनको सीमित करता है, उनकी शक्ति जो है वो उनको सीमित करता है, या उनके जो कांटेक्ट है उसमें भी एक सीमा आ सकती है, लेकिन कितनी भी बड़ी अधिकार के साथ कोई मनुष्य हो तो भी उनमें हमेशा कोई ना कोई एक सीमा रहता है, वो बुद्धि हुआ या समय हुआ या उनके हाथ में जो श्रोता है वो भी एक सीमा में रहता है, वो है मनुष्य। लेकिन हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह में कोई सीमा नहीं, वो असीम प्रभु है, हालेलुया, उनमें कोई भी कमी या घटी नहीं, लेकिन परमेश्वर अद्वितीय है, हालेलुया, परम प्रधान परमेश्वर है, वो सनातन का राजा है। इसलिए हाथ उठाकर कहे हमारे परमेश्वर में कोई सीमा नहीं, परमेश्वर जो है अद्वैत है, वो कौन है, हालेलुया, सनातन राजा है, हालेलुया, वो उनके ऊपर और कोई प्रभुता नहीं करता, हालेलुया, वो संप्रभुता है, हालेलुया, उनकी इच्छा के अनुसार वो करने वाला प्रभु है, हालेलुया। ये परमेश्वर का जो प्रभुता होने का
जो आशीष है या उनमें जो गुण है वो ये है कि उनकी जो इच्छा है उसके हिसाब से वो करते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि लाल समुंदर को डुबा के दिखाया, हालेलुया, वो छड़ी दिखाने को कहा और छड़ी दिखाने से क्या हुआ, वो एक हवा से वो पूरा समुद्र को है दो में भगा दिया, हालेलुया। हम यहोशा के जीवन में क्या देखते हैं, यहोशा से जैसे कहा वैसे किया, अपने समय से उन्होंने किया। वो सुबह है या रात है ये देख के नहीं, ये समय है या इसी रीति से करेंगे, ऐसे नहीं, वो अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब प्रभुता है, हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर जो आधिपत्य है, हालेलुया, जिनके हाथ में है, वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य जल्द से जल्द कर सकते हैं। आपका भविष्य को परमेश्वर आशीषित कर सकते हैं। आपके कल में जो पराजय आया था वो आज आपके लिए आशीष का कारण बना सकते हैं। कल का जो पराजय है वो आज आपके भलाई का कारण बन सकता है, हालेलुया। आपका आज को भी नियंत्रित करने के लिए, कल भी आपका नियंत्रित करने के लिए, आपके भविष्य को भी नियंत्रित करने के लिए हमारा परमेश्वर काबिल है, हालेलुया। कितना भी बड़ा डरावना आपका अनुभव रहा हो तो भी वो आपके भलाई में बदलने योग्य हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। आपके जीवन में सब कुछ भलाई में करने योग्य हमारा प्रभु है, हालेलुया। इसलिए श्रेष्ठत्व परमेश्वर को हम दिल से धन्यवाद करें और घोषणा करें, हमारा परमेश्वर श्रेष्ठत्व है, परम प्रधान प्रभु है, हालेलुया। इसलिए इनकी आराधना करना, सेवा करने वाले मेरे प्रिय लोग, हम में कोई कमी या घटी होने परमेश्वर नहीं देंगे। हम अपने परमेश्वर जो सनातन राजा है, परम प्रधान प्रभु है, अविनाशी अंधे के और अद्वैत परमेश्वर को, परमेश्वर इस दुनिया में जीने में, हालेलुया, जो आशीष दी है उसके लिए धन्यवाद कहे। इसलिए कभी कभी बीच बीच में हम हमेशा लगातार परमेश्वर को याद करते हुए हम धन्यवाद करते रहे कि आपका बेटा आपकी बेटी बनकर मुझे जीने में आप सहायता करते, उसके लिए धन्यवाद। आपका इस अद्वितीय परमेश्वर, आपके इस जो सुंदर परम प्रधान परमेश्वर के परिवार के भाग्य होने में आपने आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे लिए पूरे प्रकृति को आप नियंत्रित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप अगर चाहते हैं कि ये संसार को या ये रोग में परमेश्वर हमें छुटकारा दे, आपके लिए नियम को बदल के दे, तो वो भी करने योग्य है। आपके लिए कोई मनुष्य को आपके लिए जगह से वो दूसरे जगह में लेके जाना है, वो भी आपके लिए करके देंगे, हालेलुया। इसलिए पौलुस प्रेरित यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारे परमेश्वर जो सनातन राजा अर्थात अविनाशी अंधे के अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। इसलिए हम खुशी के साथ, समाधान के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, हमारा जो सनातन परमेश्वर परम प्रधान प्रभु पर हम पूर्ण तरीके से अपना अपना भरोसा रखते हुए, आशा रखते हुए हम आगे बढ़े। और हम इसलिए एक साथ कहे यीशु मसीह के नाम से, हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।